मुंह पर तौलिया बांधकर नाचते इस शख्स को देखिए। अब इसके हाथ में जरा गौर करिए, देखिए कैसे बार बालाओं के साथ ये तमंचे पर डिस्को कर रहा है। अब इस तस्वीर में देखिए कि कैसे एक हाथ में बॉटल है, दूसरे में हथियार लेकर ये शख्स भौकाल बना रहा है। बिहार के मुंगेर से दो वीडियो वायरल है, जहां एक युवक अवैध हथियार अपने हाथ में लेकर बार बालाओं के साथ डांस कर रहा है, तो दूसरा युवक सोशल मीडिया पर अवैध पिस्टल के साथ रील्स बनाकर अपना भौकाल दिखाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और 12 कारतूस बरामद किए। गिरफ्तार युवकों की पहचान रजनीश कुमार, पीयूष कुमार और सुदर्शन कुमार के तौर पर हुई। ये वायरल वीडियो मुफस्सिल और टेटिया बंबर थाना क्षेत्र का है, जहाँ बिच्छी चांचर गांव में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बार बालाओं को बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि डांस के दौरान बार बालाओं के बीच मुंह पे गमछा बांधे एक युवक बालाओं के पास आकर हाथ में हथियार लेकर डांस करने लगा। इस डांस का किसी ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के संज्ञान में आने के बाद पुलिस हरकत में आई और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी रजनीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आयोजक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। वहीं दूसरा मामला मुफस्सिल थाना इलाके के शंकरपुर का है। यहां के पीयूष कुमार और सुदर्शन कुमार ने पिस्टल और कट्टा के साथ रील्स बनाकर फेसबुक पर पोस्ट किया। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और 12 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इन दोनों मामले का मुंगेर एसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने खुलासा करते हुए बताया कि 8 सितंबर को जन्माष्टमी के दिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस मामले में थानाध्यक्ष द्वारा फायरिंग करने वाले युवक रजनीश कुमार की पहचान की गई और फिर उसे गिरफ्तार किया गया। टटिया बंबर थाना तरफ बिची चाचर गाँव है, वहाँ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन रात में जो 8 तारीख को आयोजन हुआ था, वहाँ जो वीडियो वायरल हुआ था उससे एक जो थानाध्यक्ष को सूचना मिलने के बाद उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जो आदमी वायरल फायर किया था उसका गिरफ्तारी हुआ। उसका नाम रजनीश यादव है, उसी गाँव का है और अन्य तीन लोगों का नामजद एफआईआर किया गया है। टोटल 4 नामजद एफआईआर हुआ है और उनका भी हम लोग गिरफ्तारी करने के लिए छापेमारी किया जा रहा है। और दूसरा मामला था कि मुफस्सिल थाना में मिल्की शंकरपुर गाँव में सोशल मीडिया में हथियार का जो दिखा के वीडियो वायरल हुआ था, उसका भी उद्भेदन करते हुए उन दो लोगों का आदमी का गिरफ्तारी किया गया है। उसका नाम पीयूष कुमार और सुदर्शन कुमार है, मिल्की शंकरपुर का रहने वाले हैं और इनके ऊपर भी हम लोग ये कार्रवाई किया गया, गिरफ्तारी हो गया है। मामले में आयोजक समेत 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दूसरा मामला मुफस्सिल थाना के मिल्की शंकरपुर गांव का है, जहां 2 युवकों का हथियार में लहराते वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तमंचे पर डिस्को करना इन युवाओं को भारी पड़ गया। मुंगेर से गोविंद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।